हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ सैपियंस। तो आज हम समझेंगे लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को, जो कि भाई गेम से रिलेटेड है। इन केसेस को समझने के लिए सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ना ज़रूरी है, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया है, जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए समझते हैं इस केस के ब्रीफ फैक्ट क्या थे। इस केस में जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो हिंदू होते हैं। सपोज ए एक पर्सन है जो हिंदू है, वो अपना रिलीजन कन्वर्ट करते हैं इस्लाम में। उनका इस्लाम में कोई रियल फेथ होता नहीं है, ना ही वो इस्लाम में बिलीव करते हैं। उनका मेन मोटिव और सोल पर्पज़ ये होता है रिलीजन कन्वर्ट करने का, कि वो अपनी फर्स्ट मैरिज को अवॉइड कर सके और सेकेंड मैरिज कर सके, कि इस्लाम में सेकेंड मैरिज वैलिड है। तो इस केस का मेन इशू यही था कि जब एक पर्सन जो नॉन मुस्लिम होता है अपना रिलीजन मुस्लिम में कन्वर्ट करता है विदाउट एनी रियल चेंज ऑफ बिलीव, टू अवॉइड एन अर्लियर मैरिज और टू एंटर इनटू एन सेकेंड मैरिज, तो क्या जो सेकेंड मैरिज है वो वॉइड होगी या वैलिड होगी? क्योंकि अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो सेकेंड मैरिज क्या होती है? वैलिड होती है उनमें। तो इस केस में कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि जब हम वैलिड मैरिज की बात करते हैं हिंदू लॉ में, तो हमें सेक्शन 5 में कंडीशन ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज दिया गया है, जिसे पहली कंडीशन यही है कि नाइदर पार्टी शुड हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। स्पाउस लिविंग मतलब कि ऑलरेडी जब एट द टाइम ऑफ मैरिज उनकी शादी हो रही है, जब उस टाइम पे उनका ऑलरेडी स्पाउस नहीं होना चाहिए। अगर जो वुड बी हस्बैंड है और वाइफ है, उनकी ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ नहीं होनी चाहिए। सेकंड कोर्ट कहता है कि अगर ऐसी मैरिज होती है तो वो मैरिज वॉइड है अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, और उसे बाइगेमी के लिए पनिश किया जा सकता है अंडर सेक्शन 17, रीड विद सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी। थर्ड इसमें कोर्ट कहता है कि अगर रिस्पोंडेंट मतलब जो पर्सन है वो कंप्लेंट कौन करेगा अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ मैरिज, तो इसमें कोर्ट ने कहा कि जो भी पर्सन अग्रीव्ड होगा वो कंप्लेंट कर सकता है। इसमें प्रोविजो दिया गया है कि अगर एक पर्सन जो अग्रीव्ड पर्सन है वो 18 साल से कम है, या इडियट है, लोनेटिक है, सिकनेस है उसको किसी चीज़ की, या इनफॉर्मिटी है, या एक ऐसी वुमेन है जो बाय यूसेज और बाय लोकल कस्टम पब्लिक में अपेयर नहीं हो सकती है, तो उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन कंप्लेंट कर सकता है। सेकंड इसमें कहा गया है कि एक जो हस्बैंड है वो आर्म्ड फोर्स में काम करते हैं अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया, तो जो हस्बैंड होते हैं वो किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं और वो ऑथराइज पर्सन उनके बिहाफ पर कंप्लेंट करेंगे। थर्ड वो कहते हैं कि जो अगर अग्रीव्ड पर्सन वाइफ है, जो मेनली होता है, अगर अग्रीव्ड पर्सन वाइफ है तो उनके बिहाफ पर उनके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर, और बाय हर फादर्स मदर्स ब्रदर, या फादर्स और मदर सिस्टर, या कोई ऐसा पर्सन जो उनसे ब्लड और मैरिज और एडॉप्शन से रिलेटेड है, वो भी उनके बिहाफ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। फोर्थ कोर्ट कहता है कि अगर एक ऐसा इशू आता है जिसमें पर्सन अपना रिलीजन कन्वर्ट करता है और मैरी करता है ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज, तो उस सच पर्सन को इन्वेस्टिगेट और ट्राइड किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द हिंदू मैरिज एक्ट। मतलब जैसे इस केस में हुआ, उन्होंने अपना रिलीजन को कन्वर्ट किया, बट जब उनकी फर्स्ट मैरिज थी वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई थी, तो उस पर्सन को हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा। आगे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कोर्ट ये देता है कि जो मैरिज हुई है वो बाइगेमिस मैरिज है, जो हिंदू लॉ में प्रोहिबिट है, और उसको अंडर सेक्शन 17, रीड विद सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी के तहत उसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा फॉर एन ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। फिर आगे एक कोर्ट कहता है कि जो कन्वर्जन होता है वो ऑटोमेटिकली मैरिज को डिसॉल्व नहीं कर लेता है, तो जो ये पर्सन है वो हस्बैंड एंड वाइफ अंडर पर्सनल लॉ कंटिन्यू रहेंगे। जैसे इस केस में हुआ, सपोज जो ए थे वो रिस्पोंडेंट है इधर, और जो बी है वो वाइफ है। अगर ए अपना रिलीजन कन्वर्ट करके सी से शादी करते हैं तो ऐसी ऐसी जो मैरिज है वो वॉइड है, पर अगर ए डिवोर्स दे देते हैं बी को, या बी ए को डिवोर्स दे देती है और उसके बाद वो सी से मैरिज करते हैं बाय कन्वर्शन, तो वो मैरिज क्या होगी? वैलिड होगी। कोर्ट इसमें सल्ला मुदगल का भी केस को साइड करते हैं, और सल्ला मुदगल केस में कोर्ट ने ये कहा था कि अगर सेकेंड मैरिज होती है
ऑफ हिंदू, जो हिंदू हस्बैंड है वो सेकेंड मैरिज करता है आफ्टर कन्वर्जन टू इस्लाम विदाउट हैविंग हिज फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व अंडर हिंदू लॉ. फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व हो गया अंडर सेक्शन 13, मतलब जो डिवोर्स रिलेटेड है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो वो इनवैलिड हो गया. अगर सेकेंड मैरिज डिसॉल्व नहीं हुई है, सॉरी फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व नहीं हुई है और सेकेंड मैरिज हो रही है, तो वो इनवैलिड है और सेकेंड मैरिज वॉइड होगी और उसे सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी के तहत फॉर एन ऑफेंस ऑफ बाइगेमी के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है. होपफुली आपको ये केस अच्छे से समझ आया होगा. ऐसी ही और सच वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और आपको कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. थैंक यू.